जो शुरुआत करते हैं, ये 10th और 11th दोनों में आपको काम करेगा। आप लोगों को 10th में भी पढ़ना है एंड 11th में भी पढ़ना है, 10th और 11th दोनों में पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, पिछले वीडियो में हम भूरी सूत्र पढ़ा चुके हैं और अभी जो हम पढ़ाएंगे वो विभाजन सूत्र पढ़ाएंगे। विभाजन सूत्र को दो भागों में बांटा गया, एक अंतः विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में क्या होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि विभाजन क्या है। तो किसी रेखाखंड को जो हम लोग दो भागों में बांट देते हैं या दो से अधिक भागों में जो बांटते हैं उसी को हम लोग विभाजन कहते हैं। तो रेखाखंड होगा, मान लीजिए ये रेखाखंड है जो ए है और बी है, इसको जो हम कट करते हैं किसी रेशियो में एम और एन के रेशियो में, तो इसको जो विभाजन करने का जो काम हुआ, जो बांटने का जो काम हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे विभाजन। और इससे जो सूत्र तैयार होगा उसको बोलेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, दो तरह का होता है, एक अंदर कटता है और एक बाहर की ओर कटता है। तो इसीलिए इसमें दो तरह का डिवीजन हो गया, दो तरह का विभाजन हो गया, एक अंतः और दूसरा बाह्य। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो अंतः विभाजन के बारे में। तो अंतः विभाजन के बारे में स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए गए अनुपात में अंतः विभाजन करना, मैंने कौन सा व्यन करना है, अंतर्व्यन करना है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि माना कि पी एक्स वाई कोई बिंदु है, जो पी है जो एक्स और वाई है, एक बिंदु है जो दो बिंदु, देखिए दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन, किस अनुपात में बांटना है, एम और एन अनुपात में, अलग अलग अनुपात में, एम एन के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, यह ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए के जगह पर एक्स वन वाई वन है, देखिए, बी के जगह पर एक्स टू वाई टू है तो एक्स टू वाई टू लिख दिए, और पी क्या है, एक्स वाई, अंतः विभाजन है मतलब अंदर की ओर, बाहर विभाजन आता तो बाहर, तो अंतर करने से पी एक्स वाई अंदर की ओर कर दिए। मैंने आपको बोला था कि जो पॉइंट्स लेंगे वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जो पॉइंट लिखिएगा वहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर मिला देते हैं। देखिए यहाँ से इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, मिलाने के बाद हम बोले थे आपको कि अब इसमें से एक्स और वाई कौन होगा। तो शुरू वाला को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्स वन वाई वन है, ये दूरी कितना हो गया एक्स वन, ये दूरी कितना हो गया वाई वन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तैयार के देखिए पॉइंट x और y है, ये दूरी कितना हो जाएगा x हो जाएगा और ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए इस पॉइंट b के लिए, तो ये कितना है पॉइंट है x2, तो पूरा दूरी x2 और ये पूरा दूरी y2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक y1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया y1 हो गया, अब पूरा कितना है y, तो y1 में से y जाएगा तो कितना बचेगा y माइनस y1, ये दूरी निकल गया y माइनस y1, फिर ये पूरा दूरी कितना है y2 और ये दूरी कितना है y, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो गया y हो गया, तो ये y2 है और ये y है, ये दूरी कितना होगा y2 माइनस y। अब यहाँ पर देखिए कि एक ए पी सी और पी बी डी दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल में आर एच एस थ्योरम आप लोग पढ़े होइएगा, तो आर एच एस थ्योरम से ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल एक दूसरे को क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी समरूप त्रिभुज के कंडीशन के आधार को लेते हुए हम लोग इंटरनेट इवेंट के फॉर्मूला को निकाले, तो यही लिखे अर्थात समरूप त्रिभुज के नियम के अनुसार। पहले मैंने लिख दिया है कि दिए हुए चित्र में, ये चित्र जो ये चित्र और ये चित्र, दिए हुए चित्र में त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज पी डी बी समरूप है। देखिए ए पी सी, ए पी सी और पी डी बी या डी बी पी जो लिखना है वो दोनों आपस में क्या है, समरूप है। अर्थात समरूप त्रिभुज के नियमानुसार, समरूप त्रिभुज के नियम कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें निकालने का तरीका क्या है, इसको लीजिएगा तो इसको लीजिएगा,
हम अगर इधर से शुरू करेंगे तो इधर ऊपर सबको लिखेंगे तो इधर सबको नीचे लिखेगा, अगर इसमें से सबको ऊपर लिखेगा तो सबको इधर नीचे लिखना होगा। ऐसा नहीं कि ए में से एक कर ऊपर एक कर नीचे, एक कर नीचे एक कर ऊपर, तो आपका समरूप त्रिभुज का कंडीशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले किसको लिया, पी डी को, तो इसका पी डी ऊपर तो इसका ए सी नीचे, देखिए पी डी बटे ए सी। फिर हम इधर चलेंगे, फिर ऊपर लिखना है, अब बी बी डी को लेंगे तो बी डी को देखिए ऊपर किए तो इसके पी सी को नीचे किए। अब देखिए फिर इसी त्रिभुज में आएंगे पी बी और पी ए, देखिए पी बी और पी ए, ये समरूप त्रिभुज का कंडीशन लिख दिए। अब कंडीशन लिखने के बाद कोण कितना है उसको लिख दिए, पी डी का मान देखिए x2 टू माइनस एक्स, देखिए पी से लेके डी तक के मान कितना है, पी डी x2 टू माइनस एक्स, लिख दिए x2 टू माइनस एक्स। ए सी देख लीजिए, ए सी है x माइनस एक्स वन, लिख दिए x माइनस एक्स वन। बी डी देख लीजिए, बी डी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बी डी कहाँ पे है, बी और ये डी वाई टू माइनस वाई, लिखिए वाई टू माइनस वाई। और यहाँ देखिए पी सी कितना लिखा वाई माइनस वाई वन, तो लिख दिए वाई माइनस वाई वन। अब देखिए हम लिखे हैं पी बी बटे पी ए, तो पी बी का मान कितना है एन है और पी बी का मान कितना है एम है, तो एन बटे एम। अब लिखने का इसमें तीनों आपस में इक्वल है, ये और ये तीनों बराबर है, तो किसी दो को बराबर करके हम मान निकालेंगे। तो कहिए कि सर पहला को दूसरा से बराबर कर लीजिएगा, तो नहीं होगा, पहला को दूसरा से बराबर कीजिएगा तो इसमें x और y दोनों अवेलेबल, हमको तो निकालना है x का मान और y का मान, तो इस x वाला को m बटे n के साथ करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, और इसको इसके साथ बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। इसीलिए पहले करना है हमको कि अब फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट को और थर्ड को ले लीजिए, देखिए फर्स्ट और थर्ड को लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एम में एक्स टू से गुना कीजिएगा तो एम एक्स टू, एम में एक्स से गुना कीजिएगा तो एम एक्स, फिर एन में एक्स से गुना कीजिएगा तो एन एक्स, माइनस है तो माइनस, एन में एक्स वन से गुना कीजिएगा तो एन एक्स, ये माइनस वाला एन में आगे क्या आ जाएगा प्लस में, तो देखिए ये एम एक्स टू और यहाँ एन एक्स वन प्लस में कर दिए, ये माइनस में तो जाके प्लस में, इन दोनों में से कॉमन कितना हो रहा है एक्स कॉमन हो रहा है, तो क्या बच रहा है एम प्लस एन बच रहा है, तो यहाँ से एक्स का नाम निकालना है, तो एक्स का निकालेंगे ये गुना में है तो कहाँ चला गया भाग में, यानी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, और ये आपका एक्स के पी के एक्स पॉइंट का मान निकल। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड को थर्ड से, सेकेंड अब सेकेंड और थर्ड से, तो सेकेंड और थर्ड से किए तो सेकेंड वाला ये टर्म है, थर्ड वाला ये टर्म है, सेकेंड थर्ड को बराबर किए फिर गुना कीजिए एम वाई टू, माइनस है तो माइनस एम वाई, एम वाई फिर इसमें इससे गुना कीजिए एन वाई, माइनस है तो माइनस एन वाई वन, माइनस वाला एन में आके प्लस में, ये माइनस वाला में जाके प्लस में। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, वाई कॉमन हो रहा है, एम प्लस एन बच रहा है, वाई का मान निकालना है, वाई का मान निकाल दिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस वन। तो आपने क्या देखा कि पी बिंदु के पॉइंट को यहाँ पर देखा लिखा हुआ है कि माना कि पी एक्स वाई, यही आपका मानना, यही बिंदु आपको निकालना था इंटरनली, यही पी बिंदु है जिसको हमको निकालना है, तो P बिंदु निकल गया। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे कि ये आपका क्या हुआ अंतः विभाजन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अंतः विभाजन का जो सूत्र हुआ इंटरनली डिवीजन एट पॉइंट P, तो अंतः विभाजन सूत्र से P बिंदु का मान P इजकल टू क्या था पी एक्स वाई, तो P x के जगह पर कौन सा मान निकाले हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, और y के जगह पर क्या मान निकाले हैं एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन, और ये आपका इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। और इसको याद रखिएगा तभी जाके आपका अंतः विभाजन का फॉर्मूला बन पाएगा। इसी के आधार पर अगर बाह्य विभाजन की बात किया जाए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बाह्य विभाजन में इसका देखिए ये टर्म जो निकला है कहाँ से निकला है, तो अंतः विभाजन बाह्य विभाजन के लिए कहेगा इसी प्रकार बाह्य विभाजन सूत्र जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा देखिए, पी एक्स वन। तो देखिए प्लस के जगह पर क्या कर देगा, केवल माइनस कर देगा। तो पी एक्स के जगह पर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बट्टा एम माइनस एन, और y के जगह पर एम वाई टू माइनस एन वाई वन बट्टा एम माइनस एन। ये हो गया बाह्य विभाजन के फार्मूला और वो हो गया अंतर विभाजन के फार्मूला। तो आपने क्या देखा कि अंतर में प्लस और बाह्य में माइनस, यानी कि इंटरनली रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, एक्सटर्नली रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद कर लेना है और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो आपको बन जाए। अब आपको खाली क्षेत्रफल बच गया है जिसको हमको बताना है। तो अंतर में क्या करना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो जितना फार्मूला प्रूफ किए उसको याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, केवल याद कर लीजिए कि अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है। तो अंतर विभाजन सूत्र का फार्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एन प्लस एन, बार बार बोल रहे हैं, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एन प्लस एन, याद हो गया। और बाह्य विभाजन सूत्र के लिए कहेगा तो p के जगह पर एम एक्स टू प्लस है तो क्या हुआ, माइनस एन एक्स वन बटा एन माइनस एन, जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना है, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा एन प्लस एम माइनस एन। तो ये दोनों फार्मूला आपने देख लिया, यही आपका विभाजन सूत्र है और इस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो आप इस दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने साथियों को बीच में फैलाने का प्रयास कीजिएगा ताकि मेरा मेहनत सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।